पूरे देश में वैश्विक महामारी में जो हमारे भाई बहन
हुए ऐसे सभी साथियों का ध्यान रखते हुए आज गवर्नमेंट वॉरियर्स का सम्मान समारोह बता दिया। दूर है और यहाँ पर काम को पाने के लिए
पूरा है बोला जाए जाति जोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और आंदोलन में देश में समाज सजा साफ़ के साथ जाति में बटा रहा है उन सबको एक माला का ढोंगर आज हमारे साथ में उधर का बैठा है एक भाईचारे मेरा चल रहा है बैठा हुआ है को दे दो ना हमारा जानते हैं हमारा कहेंगे और करोड़ हमारे आप लोग भी जानते हैं
धन्यवाद माननीय रमाकांत त्रिपाठी जी, प्रेरणा की जो आपने दानी समाज भरा समाज को विचारों कार्यकारी कार्य साथियों जिनका हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच में आज उपस्थित माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं प्रभारी महानगर साहब, 18 राज्यों में घूमते हैं, पूरा दिन ट्रेन और ट्रेन में निकल जाता है हमारे साथ। हमारे बीच में माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब को मैं आमंत्रित करने से पहले मैं श्रीपद राय जी से निवेदन करूंगा कि वे जोरदार माननीय साहब के सम्मान में एक गीत प्रस्तुत करें। साथियों आप देख सकते हैं धानु बहिष्कार बार समाज के कार्यक्रम भी चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। अभी आपको एक अच्छा सा गीत साथ में माननीय जनप्रभारी जयलाल सर भी लड़कियों को बोल रहे
हमेशा वो सबसे पहले हमला करने वाले व्यक्ति धार्मिक समाज के लोग
विलियम क्रोथ एक इंस्ट्रूमेंट उसने बात कही है कि बंधनात्मक समाज के जो उसने एक खास तौर पर मध्य प्रदेश से गुजर खाने के लिए जो पहले आया था और इन लोगों के मेन काम था बात बात को तोड़ के बाद से सारी चीजों को बढ़ाने का जो काम करता था हमारे बंधनात्मक समाज बराक समाज के बारे में उसने लिखा है कि जो बराक समाज है 1490 में 1490 ईस्वी में बराक समाज इस देश का राजा था और वो महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो अभी तेलंगाना का पार्ट का राजा था महाराष्ट्र और तेलंगाना के पार्ट के बीच में वहां की रियासत थी उसको इनकी रियासत थी और इनका मेन जो काम था भारत के अंदर कपास पैदा करना और कपास को तैयार करना इनका काम था माने कि राजपूत लेकिन उस समय के राजा ने और राज क्या बने दलित आज के बच्चों के बाद ये कार्यक्रम अगर आई दुकान पे जाए और वो जाते हैं चावल खाने के रोड मार से रात मार से रात मार से तो उनको बात नहीं आए सर्दी के कुओं में यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग कुएं अलग अलग कुओं पानी भरने का दिया जाता है यही नहीं कई जगह पर ऐसी होती है स्कूलों में कि हमारे समाज के बच्चों को पानी भी नजदीक नहीं होता है आज भी इस समाज को बड़े और एक घटना घटी है आज किसी युक्ति की घटना है एक बसोर समाज का व्यक्ति पानी लेने के लिए किसी दूसरे गाँव में आया उसके घर से चला गया उन लोगों ने देखा कि नीचे जाकर व्यक्ति ने हमारे घर को छू लिया उसको यही नहीं है दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी के टेबल पे जाकर के पानी पी लेते हैं तो वो व्यक्ति आता है 12-13 साल के बच्चे होते हैं उन दोनों बच्चों को अपने दांतों से ठीक करके मारता इतना घोर अन्याय जब होता है ये मेरे समाज के साथ में होता है मेरे समाज के जुड़े में था लेकिन ये समाज के ऊपर अत्याचार नियंत्रण होता है इसके बारे में हमें जाना है कि बाबा साहब अपने मिलते ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया अपने चार चार संतानों को बांधने के ताकि इस देश के अंदर जो दलित है जो आदिवासी है पिछड़ा है इनके बच्चे आने वाले समय में मान और समाज के साथ में इस देश के लिए और इसके लिए मानव समाज ने हम सबको तमाम तरह के अधिकार संविधान के तहत तमाम तरह के अधिकार भाई बच्चे सामने रहे बच्चों बच्चों में मोबाइल पर देखो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए बाबा साहब ने संविधान में हमको अधिकार संविधान का अधिकार दिए जिसमें आर्टिकल 15 भी कहता है कि देश के अंदर जाति धर्म जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं संविधान कहता है और उस पर एक पिक्चर कभी भी आर्टिकल 15 नाम की मूवी आई उस मूवी में उस संविधान की बात को ऊपर पिक्चर बनाई गई उस संविधान के बाबा साहब ने लिखा है कि आर्टिकल 15 में कहता है कि जाति धर्म और जन्म के आधार पर इस देश के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होगा लेकिन साथ ही आज भी हमारे समाज के साथ में भेदभाव होता है इसके मतलब इस देश में बाबा साहब ने और और उसके अंदर चार पॉइंट
और चार पॉइंट बाबा साहब आपको ठीक राउंड करने के लिए कि पहली बार बाबा साहब ने जस्टिस की करी है, न्याय की करी है, लिबर्टी की करी है, स्वतंत्रता की करी है, इक्वालिटी की करी है, समानता की करी है, सुरक्षा की करी है, बंधुत्व की करी है। ये चार पॉइंट पर बाबा साहब आपको ठीक राउंड करने के लिए सुना दीजिए। और पहले पॉइंट पर न्याय की बात की थी। न्याय के माने में होता है बाबा साहब ने कहा कि मेरे देश के अंदर दलितों हमारे आर्थिक न्याय की बात हमारे सामने करें कि आज हमारे समाज
समाज का एक गरीब से गरीब जो दिन भर में सिर्फ 200 रुपए मजदूरी कमाता था, कम से कम 200 रुपए, कम से कम और भी नहीं होता। अगर आदिवासी पेड़ जाएंगे तो वहां जाएंगे 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए कमाने पूरे परिवार को पालने का काम करते, 100 रुपए पालने का काम करते। और वही इसी के लगाने के बाद आप 100 रुपए कमाते हैं वो हजारों करोड़ रुपए एक दिन में कमाते, एक दिन में हजारों करोड़, एक दिन में अगर हम लोग चाहें तो 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है। और आप 20-25 लाख रुपए पूरे जीवन भर कमा लगे कैसा नहीं जाएगा, तभी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा आर्थिक न्याय की बात बाबा साहब ने संविधान के अंदर दी, कहा आर्थिक न्याय अपने समाज को लेकर आएंगे। मैं भी जिस तरह से बदली से अदानी के मालिक इस वंशकार भानु का खराब समाज के बराबर है, ऐसा ही चले जाएगा वो भारत। ये आर्थिक रूप से पैसे के मामले ही इस भानु वंशकार समाज के बराबर है, ऐसे भारत की रचना बाबा साहब ने करी। बाबा साहब ने अपने धीरे धीरे पूरे जीवन भर और बाबा साहब संविधान भर ले पाए और जाएंगे
24 दिन का होने वाला है, उसको न्याय करके आ जाए। पहले मेरे समाज के साथ में न्याय करिए, उसके बाद भारत को आ जाए। तब अंग्रेजों ने कांग्रेस से कहा कि हम आपके देश को तब तक आजाद नहीं करेंगे जब तक आप डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान चुनाव में दोबारा नहीं हो। और कांग्रेस के लोगों ने पुणे की एक सीट थी मुकुंद राय जयकर, जिसको बोलते हैं एनआर जयकर, उस सीट को खाली कराया। उस सीट को खाली करा करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। और संविधान सभा में पहुंचे बाबा साहब ने काव्य के दम पर उस सभा के अध्यक्ष थे। बाबा साहब बैरिस्टर थे और बैरिस्टर भी छोटे मोटे बैरिस्टर नहीं थे, इतनी सारी भाषाओं के इतने सारे संविधान को उन्होंने अध्ययन किया था अपने काबिलियत पर उस संविधान सभा के अध्यक्ष की वजह से, और संविधान को लिखने का मौका मिला। जबकि नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का बैरिस्टर था और महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, दोनों का बैरिस्टर थे। उसके बावजूद भी इनके अंदर काबिलियत थी, अगर काबिलियत होती तो बाबा साहब लिखने का मौका मिला तो आप समझिए कि बहुजन समाज मेरा दलित समाज समाज है, इनके हजारों साल के गुलामी के पहले को छोड़ बाबा साहब की जीवन पर आप उसकी फोटो दे दीजिए, बाबा साहब के सारी टिकट गूगल में देखिए, जैसे जैसे करना उचित है। एक ही फोटो में बाबा साहब के चेहरे की नहीं, एक ही फोटो में बाबा साहब के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं, जिनके चार चार बच्चे शहीद हो गए इस मोमेंट और मिशन के लिए, हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े इस काम को लेकर के उनके चार चार बच्चे शहीद हो गए, उनकी पत्नी शहीद हो गए, उनके चेहरे से कभी बाबा साहब के उनके हाथ नहीं है। लेकिन बाबा साहब एक दिन हंसे, एक दिन बाबा साहब के चेहरे की मुस्कुराहट आई। उनके साथ रहने वाले सवालनाथ शांति ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार शाम को आते हैं और बाबा साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, धीमे धीमे मंद रहे, तो मैं देख के दंग रह गया कि 25 सालों में बाबा साहब का वो चेहरा मैंने कभी नहीं देखा कि बाबा साहब के चेहरे पर हंसी है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया बाबा साहब हंस रहे थे, तो मैं डरता हूँ बाबा साहब की कमरे में पानी लेके पहुंचा और उनसे पूछ बैठा कि क्या होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज ऐसा क्या हो गया कि आपके चेहरे पर हंसी है, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने दाने के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब इस देश का जो राजा बनेगा वो वोट से बनेगा ताकि रानी के पेट पर। हमारे भी बाबा साहब इस बात पर खुश थे कि मेरा बहुजन समाज है, ये दलित समाज है, जो 6,743 जातियों में छोड़ा गया है, ये समाज के जो इस देश के राजा बने, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के बैठे थे, इस बात को लेकर बाबा साहब खुश थे। और बाबा साहब ने कहा भी है, जाओ मेरे बच्चों आपको इस देश का शासक बनना, ये बात बाबा साहब ने कही, जाओ अपने घरों के द्वारों पर लिखो कि आपको इस देश का शासक बनना है। और देश का शासक बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का दिया और हमको बता करके रास्ते गए, हमको रास्ते बता करते हैं कि मेरे बच्चों इन रास्तों पर चल के आप इस देश के शासक बन सकते हैं, आपकी गरीबी आपकी बेरोजगारी आपकी बेचारी इस सब खत्म हो सकती है अगर आप मेरे बनाए हुए रास्तों पर चलोगे। और इसके लिए बाबा साहब ने हमें निर्देश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। ये तीन बातें बाबा साहब ने शिक्षित करने के नाम पर कहा कि मेरे बच्चों अगर आपके घर में दो वक्त की रोटी है तो आप एक वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, उनको पढ़ाना जरूर है, क्योंकि शिक्षा वो शक्ति का रूप है जो पिएगा वो तुम्हारे। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि संघर्ष जिस बाबा साहब ने जीवन पर संघर्ष किया, हमारे महात्मा फुले ने जीवन पर संघर्ष किया, छत्रपति शाहू जी महाराज ने जीवन पर संघर्ष किया, उन्हीं के संघर्ष हम लोग इस
देश के अंदर मान सम्मान की स्थापना है। वही बात बाबा साहब ने कही है, वही बात भगत गौतम बुद्ध ने कही है कि तमाम तरह से चाहिए माने कि संघर्ष की शरण में जाओ, एजुकेशन की शरण में जाओ, माने कि अधिकार मांगने से नहीं करते हैं, अधिकार छीने जाए। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही है कि संघ भले बुद्ध ने कही है संघ की शरण में जाओ। बाबा साहब ने कहा है और नए जोर से नए जोर से संगठित हो जाओ, अरे कि आप सारे लोग एक हो जाओ और एक होकर के अपने वोट का इस्तेमाल कर दो, उसी दिन आप इस देश के राजा बने। तीन बातें बाबा साहब ने तीन बातें कि संगठित हो जाओ। अब बाबा साहब ने वोट के बारे में कहा, कहा मेरे बच्चों ये जो वोट है इस वोट का मुर्गा के लिए है या वोट एक बोतल दारू के लिए है या वोट पायर के लिए साड़ी के लिए है, ये वोट जो है आपको देश का राजा बनाने के लिए है। एक एक वोट डालकर कहने की ताकत को बनाने का काम करता है।
अगर आप देखिए पूरे देश के अंदर दलितों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो सबसे पहले माया बहन जी मीडिया में बोलने का काम करती है। अभी आपने देखा भी है, इस युद्ध बॉर्डर पे आपने देखा होगा, सारे लोगों ने टीवी में देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा, इस युद्ध बॉर्डर पर एक दलित को उसके हाथ का उसके पैर का उसको उल्टा रहा ताकि उसके शरीर का सारा खून जाए और मर, उसके बाद ही नहीं मरा तो उसके पेट में कई सारे तलवारें थी और बोला गया कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती की। माने कि दलित समाज का वे वो खुद सेवादार था, माने कि जो निहंग लोग रहते हैं जो निहंग माने क्या गुरु जी की सेवा उस सेना की सेवा करता था, उनको खाना बनाना, उनके लिए सफाई करना, उनके कपड़े धुलना, ये सारा काम वो सेवादार कर रहा था जो कि दलित समाज में था। उसने क्या काम किया, उसने गलती से गुरु ग्रंथ साहब और चूने बात से कहा कि इसने बेइज्जती करी है और बेइज्जती के क्रम में दलित समाज के हाथ काट करके पैर काट के भेजा काम किया गया इस देश को अफगानिस्तान का। और सरकार किसकी कहने में है, भारतीय जनता पार्टी। और स्टेट में किसकी है, भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में किसकी है, कांग्रेस। लेकिन किसी के अंदर कोई काम नहीं, तब हुआ सबसे पहले माया बहन जी को हुआ। उन्होंने मीडिया में कहा इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी बात हिम्मत वाली बात है माया बहन जी की। कांग्रेस ने नहीं करी, बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं कि वो लोग उन निहंग सरदारों के खिलाफ बोले, किसी की हिम्मत नहीं। यही नहीं, पंजाब का वो व्यक्ति है मारा गया, फाटे वाले लोग पंजाब के हैं और पंजाब के कांग्रेस ने भी एक दलित को वर्ष सीएम बनाया हुआ बनाया नहीं बनाया दलित को सीएम बनाया है जिसका नाम चन्नी है। उस चन्नी के पास चवन्नी फल कारक नहीं है कि वो जाकर दलित समाज के दलित को 50,000 देने का काम करता है। जब उसके फेवर में वो तक काम करता कि अगर किस व्यक्ति ने दलित समाज के दलित की मेरे समाज की हत्या की है उस लोगों को फांसी के तख्ते पे ले जाने का दायित्व होगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं है, हिम्मत कहाँ पर है, हिम्मत आपकी बहन जी का है जिन्होंने इस बात को बोलने का कहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक एक वोट जो है कभी मत सोचिएगा कि बीएसपी का प्रत्याशी जीतने का हारेगा, बिल्कुल नहीं। मेरा वोट जो है बाबा साहब ने हमको वोट की ताकत है और मेरा वोट बाबा साहब की पार्टी में जाएगा, माने कि बहुजन समाज पार्टी के हाथ की पार्टी चुनाव जीत पार्टी जाएगा, इस अलावा कहीं और नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ साथियों, ये वक्त आ गया है झगड़े का। अगर हम सोते रहे तो आने वाला समय और भी खतरनाक हमारे लिए होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात करना शुरू कर कि नई संसद में नया कानून, नई संसद में नया संविधान लेकर आएंगे। और बाबा साहब की मूर्ति आप सब देखते हैं और बाबा साहब की मूर्तियों में उंगलियों का इशारा होता है, नहीं होता है, उंगलियां बाबा साहब इशारा करती है और हाथ में बाएं हाथ में संविधान होता है। बाबा साहब कहते हैं जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर में कब्जा कर। और शक्ति का मंदिर कौन है, शक्ति के मंदिर के बारे पार्लियामेंट लोकसभा का इस मंदिर पे कब्जा कर लो, वोट के द्वारा मेरे ये हुए वोट के जरिए शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। जिस दिन तुम्हें शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन का उद्धार होगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब के हाथ में संविधान होता है। बाबा साहब ने कही है मेरे बच्चों आपके जीवन में आपके शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको इस संविधान की रक्षा करनी है मेरे बच्चों। ये दो बातें बाबा साहब ने कही और हम सबको बाबा साहब की बता रही बातों पर चल करके अपने बहुजन समाज के लोगों को आने वाले बच्चों के जनरेशन को जिस देश के अंदर मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाना पड़ता है क्योंकि आने वाला समय खतरनाक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
और पहले कांग्रेस के लोगों ने इस देश के अंदर शिक्षा को खत्म और भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा खत्म कर दी है। माने कि मध्य प्रदेश के अंदर 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, जहां पर देश के अंदर भी जो हमारे पास नौकरियां उन सरकारी कंपनियों को बंद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसको बेचने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, पहले कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। माने कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ रही है तो सारी कंपनियां सरकारी है, वो सरकारी कंपनियों के लोगों ने बेच बैंकों को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया, जहां मेरे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पाते थे उन सबको प्राइवेट हाथों में बेच। माने कि उधर भी आपके पास नौकरी नहीं, उधर भी नौकरी नहीं, और इस समाज में पैदा हुए हैं या बिरयानी बेचकर भी काम मिल रहा है, आप बिरयानी नहीं कर सकते, आप चाय की दुकान नहीं कर सकते, इस समाज में पैदा हो, इस सिस्टम में पैदा हो, तो माने कि हमारे पास शिक्षा भी नहीं है, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, और समाज में ऐसी हालत है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बिरयानी की दुकान भी नहीं खोल सकते, होटल भी नहीं खोल सकते, चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते, तो आखिर क्या काम है, क्या काम करेगा, पढ़ने जाए उसके बाद भी बच्चे आपके सामने झाड़ू लाने का, दादी को साफ करने का, किसी घर में आप जाकर घर बार साफ करने का काम करेंगे, किसी घर में जाकर ऊपर धुलने का काम करेंगे, तब आपकी आंखों में सिर्फ बात हुआ है, तब आपकी आंखों में आपको आएगा और आपसे बच्चा आपसे पूछेगा कि पापा है अम्मा, बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुष ने संघर्ष किया, आपको डॉक्टर बन गए थे, आपको इंजीनियर बन गए थे, आपको आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सरकारी नौकरी में मिले, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया, अगर संघर्ष किया होता तो कम से कम हम बुरा नहीं, कम से कम हम बुरा नहीं बनते, और हमें गुलाम बनाने की साजिश पूरी तरह से चलाई जा रही है, किस तरह से हम गुलाम बन जाए, हमारे आने वाले जनरेशन इस देश में गुलामी करते हैं, वो कैसे हमारे ऊपर चलेगी, कैसे हमारे नीचे बैठेगी, ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ 2022 से लेकर के 2024 के बहुजन समाज के लिए करो या मरो का संघर्ष होने वाला है, करो या मरो का शिक्षा से, माने कि 2022 से लेकर 2024 ये सत्ता का महासंग्राम होने वाला है, इस सत्ता का महासंग्राम है, और अगर सत्ता के महासंग्राम को अगर हम जीत गए तो आने वाले जनरेशन हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं देश के मान सम्मान के साथ लड़ाई करेंगे, अगर सत्ता का मान संग्राम भाग गए तो बच्चे हमारे सामने आकर उस सामने गुलाम बना, इसीलिए मैं कहता हूं ये विजय के कांग्रेस के चक्कर में कहीं नहीं पड़ता, जितने भी लोग लड़ाए हुए हैं मेरी समझ से कोई भी गलत नहीं है, जो बाबा साहब को नहीं मानता हो, जब माधव जी गांधी राम साहब को न मानने वाला हो, जो बहन जी को अपना नेता न मानता हो, अगर कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आज समय आया है मेरे पास और आप सबके पास भी है कि हम सब लोग अपने सामाजिक जीवन का निर्वहन करें, अपने राजनीतिक जीवन का निर्वहन करते हुए अपने समाज को जगाने का काम करें और उसके अंदर अपने बाबा साहब की बताए हुई बातों को सुनाने का काम करें, अगर ये सारी बातें हमने कर ली समाज में जागरूकता फैला दी, मैं दावे के साथ में कहता हूँ 2024 में बहन मारेगा देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और जिस दिन बहन प्रधानमंत्री देश की बनेगी किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी नाई की हिम्मत नहीं होगी मेरे समाज को बोलने बात नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं बोलने का वाली होगी कि मेरे बहू बेटे को इस तरफ पास उठा कर देखे, इसलिए मैं कहता हूँ 2024 में हमें हर हालत में दिल्ली के अंदर बहन जी की गलती चाहिए, दिखाएंगे जैसा उत्तर प्रदेश दिखाने के लिए दिखा रहे हैं।
आपने बात रखी है, मैंने आप कितने बात रखी है, ये वो बातें हैं। अगर इन बातों पर ऐसा हम गौर नहीं फरमाएंगे तो हम बहुत जल्द देश में गुलाम बना देंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं। अभी तो हमारे सबके ऊपर बहन जी की छत है, बहन जी का हाथ है। अगर हमारे समाज के साथ कोई ऊंची बात होती है तो बहन जी पर हाथ देता था, लेकिन मोदी को लगाने का काम करती थी, ऐसी बहन का काम करती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमें अपने समय को जाया नहीं करना। इतने भी लोग बनाए हुए हैं, आप सब लोगों की घर की जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोग अपने वोट के बारे में, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए हम सब लोग चाहते हैं आप सारे लोग आए हुए हो, दोनों दो हाथ उठा करके रुपया करके जाइएगा। 2000 रुपये हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा किसी और को नहीं करेंगे साथियों। और मेरे साथ एक बार जोरदार बाबा साहब की याद में घर रहेंगे, बाबा साहेब
कार्यक्रम करने का मेरा मूल उद्देश्य था पहले तो कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मानित करें और उनके अंदर अपने संविधान को लेकर के अपने बोर्ड को लेकर के अपनी शिक्षा के लिए एक जागृत फोटो क्लिक करवा दे।